बरेली थाना बारादरी क्षेत्र में किराए पर रहने वाली एक महिला ने एसएसपी को प्रार्थना पत्र देते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए मांग की है। पीड़िता ने बताया कि उसका 2016 में निकाह हुआ था, जिसके फलस्वरूप आज दो पुत्र हैं, एक 8 वर्षीय दूसरा 6 वर्षीय है। महिला ने बताया कि 6 वर्ष पहले उसके पति का इंतकाल हो गया था, जिसके उपरांत मौसेरे भाई फैसल पुत्र साजिश हुसैन ने शादी का झांसा देते हुए 5 वर्ष तक संबंध बनाता रहा। इस दौरान उसने 2 बार गर्भ भी गिरवा दिया। जब महिला ने शादी के लिए दबाव बनाया तो फैसल ने उससे निकाह कर लिया। निकाह करने के बाद उसने पुराने पति द्वारा दिए गए मकान को बेचकर पैसे की डिमांड की। डिमांड पूरी न होने पर लगातार उत्पीड़न करना शुरू कर दिया, जिसका महिला ने मामला भी दर्ज कराया है। महिला ने आरोप लगाया कि 1 माह पहले उसके साथ किराए के मकान में साथ रह रहे थे, वहीं छोड़कर दूसरा निकाह कर लिया। महिला ने बताया कि काफी दबाव बनाने पर एवं पुलिस की धमकी देने पर 22 फरवरी को उक्त आरोपी फैसल ने निकाह किया था, परंतु अब वो 5 जनवरी को दूसरी महिला के साथ निकाह के कागज दिखा रहा है। जब मैं पति फैसल के घर गई तो घर वालों ने घर से निकाल दिया। फैसल के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और पिछली कार्रवाई पर भी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। आसमा नाम है मेरा। आसमा जी, क्या मामला है? मामला ये है कि मैं 5 साल से मेरे पति मेरे साथ में रह रहे थे, फैसल नाम है उनका, हजियापुर के रहने वाले हैं। तो वो 5 साल से मुझसे शादी वादी नहीं करी थी, ऐसे ही रह रहे थे, लेकिन जब मैंने ज़्यादा जोर डाला उनके लिए तो अभी 2 महीने पहले फरवरी में उन्होंने 22 फरवरी को मुझसे शादी कर ली, निकाह कर लिया मुस्लिम रीति रिवाज के हिसाब से। अब वो शादी के बाद से ही मुझे दहेज की जब तो कोई बात ही नहीं हुई थी, खैर मुझसे उन्होंने ही शादी कर लिया था, ठीक है। अब उसके बाद से वो मुझे परेशान करने लगे, घर वालों को पता चला तो घर वालों ने भी मुझे निकाल दिया उनके, उन्होंने नहीं रखा। फिर उन्होंने मुझे किराए पे खुशबू कॉलोनी में रखे हुए थे, वो भी मुझे छोड़ के अपने घर पर भाग गए, घर चले गए और वहाँ पर जाके उन्होंने कर ली दूसरी शादी दहेज के लालच में आके। अब ये बताइए मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ, बताइए मुझे। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर।